आप दोनों के पास 10-10 हजार रुपए हैं, ये आप दोनों के पूरे महीने का खर्चा है। जिसने पूरा महीना इस 10 हजार में निकाल लिया वो विनर। ये पिद्दी भर के समोसे को नाश्ते का नाम देकर नाश्ते का अपमान कर रही हो अंगूरी? नहीं नहीं, हम नाश्ते का अपमान नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहा है ना, ही हमारा बजट में यही आता है। भाभी जी बस 1 लीटर दूध। अगर भूल गए का बजट चल रहा है ना बजट। इतनी सारी सब्जी में लेकर आई थी, सब्जी गायब। इसका मतलब मेरे घर में चोरी हो रही है, वो भी मेरे रहते हुए। प्रणाम अम्मा जी। हम रोज रोज खीर पूरी ना ही बनाते हैं, वो बजट का सवाल है ना। भाभी जी, जब तक मैं जिंदा हूँ, मैं ऐसा नहीं होता। हाँ प्रणाम अम्मा जी, ठीक बा। अरे यार, ये क्या है? भाभी जी। हाँ दिया, भरभूति जी आप। और भाभी जी क्या हो रहा है? आप भरभूति जी, वो कोई तो हमारे फ्रिज में। भाभी जी फ्रिज। हाँ सही पकड़े हैं। वो कोई ढेर सारा सब्जी और दूध का पैकेट रखे गए हैं। होगा कोई आपका चाहने वाला जो आपको तकलीफ में देख नहीं पा रहा होगा। हाय दिया, हम समझ गए कौन है वो चाहने वाला। तेरा नाम तो बताइए उसका, कौन है आपका चाहने वाला? वही जो हमसे बहुत प्रेम करते हैं। हाँ प्रेम तो हम आपसे बहुत करते हैं। क्या बोले? तेरा नाम तो बताइए, कौन है वो आपका चाहने वाला? कौन क्या? लड्डू के भैया। है ना? अब भरभूति जी, ये लड्डू के भैया हुई ना। कौन है बे? कौन है बे? ये आवाज कहां से आई? अबे गमला भी टूटा है, हमारी साइकिल की चेन। अरे घंटी भी गायब है। अबे ये कौन कमबख्त हमारी साइकिल की चेन और घंटी चुरा के ले गया? कौन है बे? कमबख्त कौन घटिया चोर था जो कंगाली में आटा गीला कर गया? एक बार सामने आ जाए तो साले को जूते भिगो भिगो के मारेंगे। हाय दया, किसको जूते मारेंगे? अरे का बताएं अंगूरी, बस रात को कोई हमारी साइकिल की चैन और घंटी चुरा के ले गया। हाय दया, कौन था वो? अरे पता होता तो हम उसकी चमड़ी नहीं उधेड़ देते। अच्छा ठीक बा, ई लीजिए, नाश्ता कीजिए। अंगूरी, ये पिद्दी सा समोसा हमको आलू के पराठा क्यों लग रहा है?
ये पराठे ही है और वो भी आलू के पराठे। अच्छा, कितने के दिए? फ्री में दिए। फ्री में? ये बजट में आ गए? खुद ही तो चुपके से आलू रख गए थे फरीज माँ। लेकिन अंगूर ये चमत्कार हुआ कैसे? ये आप खाइए ना। अच्छा, हम भी रात को तुम्हारे लिए एक साड़ी लेकर आए थे, देना भूल गए थे। हाय तैया लड़के भैया, आप भी ना धेरे नीच हस्बैंड। वो नाइस हस्बैंड होता है अंगूरी। हाँ सही पकड़े हैं। रुको। ये देखो अंगूरी। अब ऐसे सड़े सड़े मुंह मत बनाओ, हमारे बजट में यही था। ये लो, चलो अभी हम जरा पहले खोखे पे मतलब दुकान पे हो आए हैं। ठीक बा, नाश्ता तो कीजिए। हाँ हाँ, लेकिन सूखा सूखा का नाश्ता करेंगे क्या? ठीक है, थोड़ा दही बचा है लेके आते हैं। जी, जी, आप? बस अभी जी यहां से गुजर रहा था, आपकी मीठी मीठी आवाज कानों में पड़ी, कदम खुद ब खुद खींचे चले आए। लेकिन आपकी आवाज में एक भौचक्का पना था। वो का है ना, इन लड्डू के भैया भी बड़े अजीब इंसान हैं। आपने जानने में बहुत देर कर दी उनको। क्या बोले? नहीं कुछ नहीं, क्या कर दिया उन्होंने अब? देखिए ना, पहले हमसे खाने के लिए पराठे के साथ दही मंगवाए और खुद ही चुपके से किसी से यहाँ दही रखवा दिए। ये दही लड्डू के भैया ने नहीं रखवाई, ये किसी और ने रखी है यहाँ पे। हाय दैया, किसी और ने? किसने? वेल, होगा कोई आपका हमदर्द। हाय दैया, हमको पता है लड्डू के भैया के अलावा हमारा हमदर्द कौन हो सकता है। वो हमदर्द नहीं, वो सर दर्द है। सर दर्द? मुझे बहुत सर दर्द हो रहा है सुबह से, आई डोंट नो। अच्छा अच्छा, आप कुछ कह रही थी? हाँ, हम ये कह रहे थे कि वैसे लड्डू के भैया दिखाते नहीं है, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा है। हम अभी उनको दही दे के आते हैं। भाभी जी भी कितनी मासूम है, इनके घर की रोशनी के लिए हम अपना घर जलाए पड़े हैं और ये उसका क्रेडिट लड्डू के भैया को दे रही हैं। खैर, हम भी बड़े बेशर्म आशिक हैं। भाभी जी के घर की रोशनी के लिए हम अपना घर बदस्तूर जलाना जारी रखेंगे। सुना तुमने? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कल किचन में 1 किलो आलू, 1 किलो प्याज और 1 किलो दूध था जो आज चोरी हो गया, और आज फ्रिज से 1 किलो दही भी गायब है। अरे यार, कोई जरूरतमंद ले गया होगा बेचारा। बेचारा? विपु, तुम उसको बेचारा कह रहे हो? कोई तुम्हारे घर के अंदर घुस कर चोरी कर रहा है, लूट के ले जा रहा है तुम्हारा घर, और तुम उसे बेचारा कह रहे हो? अगर वो कमीना मेरे हाथ लग गया ना, तो उसकी मैं इतनी धुलाई करूंगी, इतनी धुलाई करूंगी। तुम मैं तो कहती हूँ सारी गलती उस चोर की माँ की है जिसने उसकी ऐसी परवरिश की। यार तो माँ को क्यों ला रही है बीच में यार? माँ माँ है यार, लेट बी। अरे तुम तो ऐसे भड़क रहे हो जैसे कि मैं तुम्हारी मम्मी की बात कर रही हूँ। बट किसी की मम्मी को क्यों ड्रैग कर रही हो बीच में यार? बेसिकली मॉम्स आर क्यूट, यू नो। उसकी मॉम की वजह से ही वो चोर बना है आज, और तुम यहाँ बैठे बैठे बातें बना रहे हो। ये नहीं कि उस चोर को जाके पकड़ो, बस तुम उसकी हिमायत करो। अरे कहाँ से पकड़ूं यार, लटक रहा है हवा में, जो पकड़ लूंगा। नहीं, तुम अपनी मम्मी की आंचल में जाके सो जाओ, गोदी में सर रख के। अब चोरी की है तो जिल्लत तो झेलनी पड़ेगी। अब झेल ले बेटा, तू झेल जाएगा।
ओम नमः शिवाय संभाय हरे परमात्मन पंत क्लेशाना शाय योगी नाम पतन मज सूर्याय नमः। पहिया भी गायब हो गया। अबे ये कौन कमीना है जो हमारी साइकिल को किश्तों में चुरा के ले जा रहा है? पहले चैन चुरा ली फिर घंटी चुरा ली। महंगाई के जमाने में कौन हमारी फजीहत कर रहा है? भाई क्या बात है तिवारी जी, बड़े खुश नजर आ रहे हैं सुबह सुबह, बड़े चर्पी, बड़े बबली, हाँ फुल ऑफ लाइफ। अरे काहे के चर्बी बबली, पता नहीं कौन जाहिल बदतमीज टाइप का आदमी है जो हमारी साइकिल को किश्तों में चुरा के ले जा रहा है। अरे भाई होगा कोई किश्तों का मारा बेचारा। ये क्या बक रहे हैं आप? माफ कीजिएगा, आपकी 2 कौड़ी की साइकिल का एक पहिया चुरा के ले गया है। कोई आपके हेलीकॉप्टर का पंखा निकाल के नहीं ले गया? तो आपके गुर्दे में क्यों दर्द हो रहा है? और आप हर बार हमारी लुंगी में अपनी टांग क्यों घुसड़ देते हैं? माफ कीजिएगा, मुझे आपकी फटी हुई लुंगी में टांग फंसाने का कोई शौक नहीं। मैं तो सिर्फ अपनी पड़ोसियत निभा रहा हूं। ये पड़ोसियत नहीं, कमीनियत है। देखिए आप तहजीब का दायरा क्रॉस कर रहे हैं। एंड आई एम नॉट लाइकिंग इट तिवारी जी। एंड आई एम ऑल्सो नॉट लाइकिंग इट। एक तो आपने अंगूरी के दिमाग में वो बजट का ऐसा फितूर घुसेड़ा है कि उसने लगभग हमें खाना ही देना बंद कर दिया है। एक बात कहूं आपसे जी, आप अंगूरी भाभी के पति बनने के बिल्कुल लायक नहीं है। ये मेरी एक थर्ड पार्टी ऑब्जर्वेशन है, लाइक एन आउटसाइडर, यू नो। मैं भी एक बात कहूं आपसे, आप भी अनीता भाभी के पति बनने के बिल्कुल भी काबिल नहीं है। इसमें थर्ड पार्टी ऑब्जर्वेशन। लोग कहते हैं आप जलील हैं, लोग कहते हैं कि आप विभूतीय हैं, लोग कहते हैं आप तिवारी नहीं बीमारी हैं, और लोग कहते हैं कि आप नल्ले हैं, लोग कहते हैं कि आप बैल हैं, लोग कहते हैं कि हट, लोग कहते हैं कि हट 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 हट। फिर तिवारी जी शाम को मिलते हैं। लव यू। आई लव यू टू। मुझे तो लगता है पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए, पुलिस ही पकड़ेगी उस चोर को। 10-11 डंडे लगेंगे ना हवालात के, तो चोर के ठिकाने आएगी अक्ल। चलो मैं बाद में बात करती हूँ। भाभी जी घर पर हैं? अरे नमस्ते नमस्ते तिवारी जी, आइए ना बैठिए बैठिए। क्या बात है भाभी जी, आज आप कोई आइटम पेश नहीं कर रही हैं? क्या मतलब? नहीं मतलब अमूमन जब भी हम आते हैं तो आप योगा या नृत्य का कार्यक्रम पेश कर रही होती हैं, लेकिन आज क्या बताऊं तिवारी जी, मैं तो बहुत परेशान हूँ, तंग आ गई हूँ मैं। क्यों, क्या हुआ? आपको पता है क्या हो रहा है? मेरे घर से रोज सब्जी और दूध चोरी हो रहा है। ओहो, देखिए ना क्या इत्तेफाक है कि मेरे और आपके हालात कितने मिलते जुलते हैं। मतलब हमारी भी साइकिल के पुर्जे कोई चोर चुरा के ले जा रहा है। फिर आपने चोर को पकड़ा कि नहीं? उसी की तलाश में तो निकले हैं। खैर छोड़िए, आप बताइए आपके बजट का प्रोग्राम कैसा चल रहा है? काफी उठा पटक चल रही है, लेकिन एक्स्ट्रा खर्चा ये कमबख्त चोर बढ़ा के चला जा रहा है। मेरे भी बिल्कुल यही हालात है। अब देखिए ना, मैंने आप ही से तो इंस्पायर होकर अपने घर में भी बजट का प्लान बनाया था, और इस चोर ने सारा प्लान चौपट कर दिया। कम से कम 1 हफ्ते की सब्जियां और दूध चुरा के ले गया वो। एक तो जिंदगी में पहली बार भाभी जी हमसे इंस्पायर्ड हुई है, और ऊपर से इस चोर ने बट्टा लगा दिया। नहीं, हम भाभी जी का बजट बिगड़ने नहीं देंगे। हेलो हेलो, प्रणाम अम्मा जी। जुग जुग जियो मेरे बच्चे, कैसन बा? जब तक आपका बैलेंसर पर है तब तक ठीक बा। भाभी जी इट्स ब्लेसिंग्स। सही पकड़े हैं।
अरे कौन है बिटिया, उनल्ला है का? हाँ उनल्ले है। अरे उनल्ले को बोलो कि कुछ काम धंधा करे, काहे तुमको आके परेशान करता रहता है। अम्मा जी हम बता देंगे कुछ काम धंधा करे। हाँ और सुनाओ तुम्हारा बजट का क्या हाल है, है? सक्सेसफुल हुआ कि नहीं? हाँ अम्मा जी हमारा बजट एकदम सक्सेसफुल है। भाभी जी इट्स नॉट सक्सेसफुल, इट्स सक्सेसफुल। सही पकड़े हैं। अम्मा जी हम एक बात बताए, हमारा ये बजट सफल होने में लड्डू के भैया का ही हाथ है। क्या बात कर रही है दुल्हन? और का है ना अम्मा जी, लड्डू के भैया चुपके से रसोई में सब्जी दूध दही लाकर रख देते हैं ताकि हम इस कॉम्पिटिशन में सफल हो जाए। अरे हमको तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि वो बैल तुम्हारी मदद करेगा और उतना सोचेगा भी तुम्हारे लिए। नहीं नहीं अम्मा जी हमको पूरा विश्वास है। भाभी जी मैं आपके विश्वास को झूठा साबित करके छोड़ूंगा। अच्छा अम्मा जी हम बाद में फोन करते हैं, ठीक प्रणाम बा। हाँ खुश रहो बिटिया। खत्म हो गया अब नेक्स्ट। भरभूति जी कैसे चल रहा है? बस भाभी जी गाय को चारा डाल रहे हैं लेकिन अफसोस की बात यह है कि क्रेडिट एक बैल खा रहा है। अदया आपने गाय पाली है का? वेल यस गाय पालने की कोशिश कर रहा हूँ भाभी जी, लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो गाय दिन रात उस बैल की माला जपती रहती है। इनका कोई चमत्कारी गाय है का? छाने दीजिए भाभी जी। भाभी जी आप ये अंगूठी देखिए, ये कैसी लगी आपको? अच्छी है ना? हाँ, बहुत 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 बढ़िया है। जरा छू के देखिए ना प्लीज। ये का आपकी मैरिज बर्सी की अंगूठी है? भाभी जी मैरिज एनिवर्सरी। हाँ सही पकड़े हैं। अभी देखिए ना, छू के देखिए ना प्लीज। अब बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। हदिया अब हमको बहुत काम पड़ा है, कपड़े धोने हैं, हम जा रहे हैं, बाद में बात करते हैं। भाभी जी आप कपड़े धोने जाइए और मैं आपके दिल से लड्डू के भैया का यकीन धोता हूँ। हेलो चौरसिया, सब्जियां ले आया? गुड, एक काम कर ये अंगूठी उसी थैले में डाल दे। मालूम है क्या करना है? सामने जा, खिड़की खुली हुई है, थैला रख और चला जा। अरे जाना बाबा। हमरा नाम चुन चुन चु चुन चुन चु चुन चुन चु रात चांदनी हम और लड्डू के भैया। हेलो मिस्टर हाउ डू डू। हाय दया भाभी जी क्या हुआ, व्हाट हैपेंड? क्या कर रहे हैं? एक्चुअली मैं यहाँ से गुजर रहा था तो आपका हाय दया सुना तो मैंने कहा भाभी जी को हेलो कर दूं। एक्चुअली मैं यहाँ से यू नो इसलिए घूम रहा था कि वो मेरी जो अंगूठी थी ना वो कुछ खो सी गई है ना, वही दिखाई थी मैंने आपको ना, इसपे ऊपर वो डायमंड लगा था। हाँ, वो कहीं गुम हो गई है। I don't know, anyway. हम हाय दिया इसलिए बोले कि देखिए ना फिर से कोई हमारे रसोई में थैली रख के गया। होगा कोई आपका वेलविशर, खोल के देखिए सब्जी वगैरह होगी, घर का सामान वामान देखिए। हाँ हमको पता है, जानते हैं। क्या हुआ भाभी जी? लड्डू के भैया होंगे वही रखते आ रहे हैं तीन चार दिनों से। तो नहीं, लड्डू के भैया ऐसी घटिया हरकत नहीं कर सकते। क्या हुआ? ये देखो ये अंगूठी उसी का है जिसने ये घटिया हरकत किया है, इस शराब यहाँ पे रखा है। हाँ भरभूति जी ये देखिए ये आप जैसा ही अंगूठी है।
अरे मेरी जैसी है, लेकिन मेरी वाली नहीं। मुझे याद आ गया, मेरी अंगूठी जो है ना, जब मैं हाथ धो रहा था ना, तो मैंने वॉश बेसिन में रख दी थी, तो वहीं रह गई है। इट्स एट होम, घर पे है वो, घर पे। आप रख लीजिए। नहीं नहीं, ये सोने का अंगूठी है। अम्मा जी कहती है मिला हुआ सोना मनहूस होता है। ये लीजिए, ये आप किसी गरीब को दे दीजिए और ये भी नाली में फेंक दीजिए। पता नहीं कोई बदतमीज आदमी यहाँ छोड़ के चला गया, अब हमको लाना पड़ेगा। हम शराब छू लिए, कौन मनहूस आदमी है पता नहीं।